अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम रिकर्जन को पढ़ रहे थे कि आज उसको जो उसकी एग्जांपल्स, उसके पैरामीटर्स वगैरह को चेक करते हैं। द रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट एग्जीक्यूशन व्हेन द बेस क्राइटेरिया रीच। ठीक है जी, जो रिकर्सिव फंक्शन, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि रिकर्सिव फंक्शन तब तक यूज़फुल होता है, तब तक रन होता है जब तक उसका बेस क्राइटेरिया फुलफिल ना हो जाए। या जैसे हमने लूप में देखा था कि जैसे ही कंडीशन फॉल्ड होती थी हमारी लूप एंड हो जाती थी, इसी तरह रिकर्सिव फंक्शन में क्या है कि जैसे ही हमारा बेस क्राइटेरिया को पहुँच जाती है वैल्यू, ठीक है, जो भी हमने बेस क्राइटेरिया रखा हो, जैसे ही वैल्यू उस तक पहुंच जाती है तो क्या होता है कि हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। इट देन रिटर्न पैरामीटर एंड वेरिएबल टू द कॉलिंग प्रोसीजर। ठीक है, जैसे ही टर्मिनेट होता है तो वो क्या करता है कि वो पैरामीटर और वेरिएबल जो कि हमने उसमें वैल्यू के तौर पर स्टोर करवाए होते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग करवानी होती है, वो क्या करता है कॉलिंग प्रोसीजर को रिटर्न कर देता है। इट रिटर्न दीज वैल्यू सच दैट द वैल्यू फ्रॉम द लास्ट एग्जीक्यूशन आर रिटर्न फर्स्ट। ठीक है, चूँकि हमारा जो स्टैक है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड करता है, तो ये क्या करेगा रिकर्सिव फंक्शन कि जो सबसे लास्ट पे एग्जीक्यूशन की वैल्यू स्टोर हुई होगी उसको सबसे फर्स्ट पे टर्मिनेट करेगा। पुश पॉप का आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो क्या करेगा जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको पॉप करेगा सबसे पहले। दिस लास्ट इन फर्स्ट आउट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिकर्सिव प्रोसीजर शो दैट आर स्टैक इज द मोस्ट सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया था कि हम स्टैक में बेसिकली रिकर्जन को पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि स्टैक और रिकर्जन बेसिकली आपस में लिंक करते हैं। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे वर्किंग करता है, और जो हमारा रिकर्जन है उसके लिए भी हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए था जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करे। ठीक है, तो चूँकि हमारे स्टैक की करैक्टरिस्टिक जो है वो रिकर्जन से मैच करती हैं, तो क्या इसलिए हम हमेशा स्टैक को रिकर्जन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे इसकी जब हम एल्गोरिथम या प्रोग्राम के एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्यों हम स्टैक को यूज़ करते हैं या किस तरह स्टैक यूज़ होता है इसके लिए। एट ईच प्रोसीजर कॉल द स्टैक इज पुश टू सेव द नेसेसरी वैल्यू। अपॉन एग्जिट फ्रॉम द प्रोसीजर द स्टैक इज पॉप टू रिट्रीव द वैल्यू। ठीक है, जब हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं या प्रोसीजर कॉल होता है तो क्या होता है कि स्टैक में कोई नेसेसरी वैल्यू या कोई वेरिएबल पुश किया जाता है, जो कि स्टैक में पुश करने का मतलब इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है, एग्जिट होता है, तो क्या होता है कि स्टैक में से वैल्यू को पॉप किया जाता है, यानी कि रिट्रीव किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ठीक है, डिलीट भी कह सकते हैं, गेट भी कह सकते हैं। इस मेथड में बेसिकली गेट किया जाता है। ठीक है, कि हम उस वैल्यू को वन बाय वन करके स्टैक से बाहर निकाल रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं। द जनरल एल्गोरिथम फॉर अ रिकर्सिव प्रोसीजर कंटेन द फॉलोइंग थ्री स्टेप। एल्गोरिथम जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है उसके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्रोलॉग्स, बॉडी और एपिलॉग्स। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्रोलॉग में इट इज़ ओपनिंग पार्ट ऑफ द रिकर्सिव प्रोसीजर। ये रिकर्सिव प्रोसीजर का ओपनिंग पार्ट होता है, जहाँ से हमारा रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट होता है। जैसे ही हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं किसी रिकर्सिव फंक्शन को, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो प्रोलॉग्स होता है। इट्स पर्पस इज़ टू सेव द फॉर्मल पैरामीटर लोकल वेरिएबल एंड रिटर्न एड्रेस। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो हमारे वैल्यूज़ आती हैं या ऑब्वियसली पैरामीटर के थ्रू वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, या कोई वेरिएबल होता है, और उसके अलावा जो मेमोरी रिटर्न एड्रेस होता है जहाँ पे हमने प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अपनी जो वैल्यूज़ हैं या रिजल्ट है उसको रिटर्न करना होता है, ये उसको सेव करता है। नेक्स्ट है बॉडी। इट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, फंक्शन की ऑब्वियसली बॉडी में क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, उसकी अपनी उसका प्रोसीजर होता है और उसके रिटर्न वैल्यू होती है। ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है कि ये जो डेफिनेशन है प्रोसीजर की, इंक्लूडिंग दी टेस्ट क्राइटेरिया, यानी कि बेस क्राइटेरिया जिस पे कंडीशन को चेक करते हैं कि कंडीशन फॉल्स है या ट्रू, इन विच द प्रोसीजर कॉल इटसेल्फ। और तीसरी चीज़, ऐसा प्रोसीजर जिसमें वो खुद को कॉल कर रहा हो, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है तो रिकर्सिव में फंक्शन खुद को कॉल कर रहा होता है। तो तीसरी चीज़ जो है वो स्टेटमेंट होती है जिसमें प्रोसीजर खुद को कॉल कर रहा होता है।
Each time the procedure call itself the prologs of the procedure save all necessary information required for its functioning. ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन जितनी दफ़ा हमारा फंक्शन खुद को कॉल करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए कह रहा हूँ कि हमने दो तरीके पढ़े थे कि फंक्शन दो तरह से कॉल हो सकता है, रिकर्जन दो तरह से हो सकती है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी. ठीक है, तो जैसे वो कॉल होगा तो सबसे पहले प्रोलॉग्स चलेंगे, यानी कि उसके जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, या जो मैं एड्रेस था रिटर्न एड्रेस वो सेव होगा. और लास्ट पार्ट है इसका एपिलॉग. इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द रिकर्सिव प्रोसीजर. इट रिस्टोर द मोस्ट रिसेंटली सेव पैरामीटर, लोकल वेरिएबल एंड रिटर्न एड्रेस. ठीक है, जैसे कि हम अब जैसे ही हमारा रिकर्सिव फंक्शन कंप्लीट होता है तो हम उसमें से वैल्यू को पॉप करते हैं. तो एपिलॉग क्या करता है कि जो लास्ट सबसे मोस्ट रिसेंटली सेव्ड पैरामीटर होते हैं या लोकल वेरिएबल होते हैं, और थर्ड क्या है कि रिटर्न एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, उनको वन बाय वन वो रिस्टोर करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारे रिकर्जन कंप्लीट होती है. ठीक है, इसकी एक सिंपल एग्जांपल है, इससे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमारा रिकर्सिव प्रोसीजर वर्क किस तरह करता है. एग्जाम्पल क्या है कि डिस्क्राइब स्टेप ऑफ कैलकुलेट स्टेप टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ थ्री यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, कि थ्री का हमने फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन या रिकर्सिव फंक्शन कैलकुलेट करना है. तो इसमें सबसे पहले कंडीशन है कि इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो देन एन फैक्टोरियल इज वन. ठीक है, ऑब्वियसली ज़ीरो का फैक्टोरियल हमें पता है कि वन होता है. और इसमें एक चीज़ नोट करें कि जो एन इज इक्वल टू ज़ीरो है या ज़ीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन है, तो ये हमारा बेस एड्रेस है या बेस क्राइटेरिया जिसमें हमारी कंडीशन फॉल्स होगी. ठीक है, तो सेकंड पे आते हैं, इफ़ एन ग्रेटर देन ज़ीरो, कि अगर एन ज़ीरो से बड़ा है, कोई भी नंबर हो सकता है, देन एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन. ठीक है, अब यहाँ पर रिकर्जन हो रही है. ये देखें, एन जो है वो एन का फैक्टोरियल, बेसिकली हम साइन लगा हुआ है एन का फैक्टोरियल का, तो वो क्या कर रहा है, एन खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार रिकर्सिवली. ठीक है, स्टेप वन में क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारे एन जो है वो थ्री है, तो थ्री का फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल. ठीक है, स्टेप टू में आ जाएँ, अभी हमें स्टेप वन में टू का फैक्टोरियल नहीं पता क्या होता है. ठीक है, तो स्टेप टू में पहले टू का फैक्टोरियल निकालेंगे. टू का फैक्टोरियल होता है इजिकल टू टू इंटू वन का फैक्टोरियल. ठीक है, स्टेप टू में अब वन का फैक्टोरियल एक आ गया, तो वो भी हमें नहीं पता. तो स्टेप थ्री में क्या है कि वन का फैक्टोरियल सबसे पहले निकलेगा. ठीक है, तो वन का फैक्टोरियल होता है वन इंटू ज़ीरो का फैक्टोरियल. ठीक है, और स्टेप फोर में क्योंकि हमने ऊपर डिस्क्राइब कर दिया कि इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो देन उसका जो फैक्टोरियल होगा वन के इक्वल होगा. ठीक है, तो आप ये देखें, स्टैक में वन बाय वन पहले ज़ीरो का फैक्टोरियल, फिर वन का, फिर टू का फैक्टोरियल सेव हुआ है. ठीक है, तो अब चूंकि अब जब हमारी रिकर्सिव कंप्लीट हुई है रिकर्जन, तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में हम पॉप करेंगे. सबसे पहले ज़ीरो का फैक्टोरियल इस लाइन में पुट होगा. ठीक है, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो वन का फैक्टोरियल भी हमें पता चल गया. अब वन का फैक्टोरियल हम स्टेप सिक्स में पुट करेंगे, तो वो टू का फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू इंटू वन इज इक्वल टू टू. ठीक है, टू का फैक्टोरियल भी हमें मिल गया. अब फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे कि टू का फैक्टोरियल पुट करेंगे, तो थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स. तो अब यहाँ पे क्या है कि हमें थ्री का फैक्टोरियल पता लग गया है कि थ्री का फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स. तो अब ये बेसिकली रिकर्जन हो रही है. पहले जो उसका सही ऑर्डर है थ्री टू वन के ऑर्डर में, और देन जब हम पॉप करेंगे तो ऑब्वियसली इसको रिवर्स ऑर्डर में पॉप करेंगे. ठीक है, फ्रॉम स्टेप वन टू थ्री द फैक्टोरियल इज एवेल्यूएटेड इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एन अदर इंटीजर. ठीक है, बता रहे हैं कि स्टेप वन से लेकर स्टेप थ्री तक क्या हो रहा है कि जो फैक्टोरियल है वो एवेल्यूएट हो रहा है किसी और फैक्टोरियल की बेस पे. ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम में देखें थ्री का फैक्टोरियल बेस कर रहा है टू के फैक्टोरियल पे, स्टेप टू में टू का फैक्टोरियल बेस कर रहा है वन के फैक्टोरियल में, इसी तरह स्टेप थ्री में वन का फैक्टोरियल बेस कर ज़ीरो के फैक्टोरियल पे. ठीक है, स्टेप फोर एक्सप्लिसिट वैल्यूएट फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो इज इक्वल ज़ीरो फैक्टोरियल इज बेस वैल्यू ऑफ द रिकर्सिव डेफिनेशन. ठीक है, ज़ीरो फैक्टोरियल क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर दी थी कि जब ज़ीरो फैक्टोरियल आ जाए तो उसका मतलब है वन. अब स्टेप फोर किसी पे बेस नहीं कर रहा, स्टेप फोर में हमें डायरेक्टली पता है कि ज़ीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन है. तो ये बेस कंडीशन.
फुल लॉजिक, आफ्टर रीचिंग द बेस क्राइटेरिया द वैल्यूएशन इज प्रीफॉर्म्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, कि जैसे ही बेस वैल्यू हमारी कंप्लीट होगी तो वैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगी, या रिवर्स ऑर्डर में वो उसको वैल्यू को पुट करना शुरू कर देगा वन बाय वन, और देन हमारे पास फाइनल रिजल्ट आए। और इस मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी एन नंबर का फैक्टोरियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो तब तक कैलकुलेट होता रहेगा जब तक के हमारी बेस वैल्यू ज़ीरो तक नहीं आ जाती। यहाँ पे अब एक एल्गोरिथम है, राइट द एल्गोरिथम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर एंड यूजिंग लूप प्रोसेस। पहले हमने देखा है कि रिकर्सिव फंक्शन से किस तरह उसका फैक्टोरियल निकालना है, अब लूप से देखते हैं, कंपेयर करना है बेसिकली। तो जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था कि अगर n इज इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका फैक्टोरियल वन है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट प्रिंट फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल कर दे और रिटर्न कर दे। लेकिन अगर n से ग्रेटर है तो क्या करें कि यहाँ पे लूप लगाइए हमने, फॉर लूप c इज इक्वल टू वन, ये कंडीशन है, वन से लेकर n तक जाएगा बाय वन। बाय वन का मतलब है कि प्लस वन करके। ठीक है, हर दफ़ा क्या करेगा कंडीशन में, हर आइट्रेशन में प्लस वन करता जाएगा, और फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सी होता रहेगा, और फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें कंपैरिजन एक देखते हैं। कंपैरिजन आप जो हमने रिकर्सिव फंक्शन से किया था वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि किस तरह वर्किंग हो रही है। ठीक है, लेकिन जो लूप में है वो बेसिकली दोनों मेथड ठीक है, लेकिन लूप में थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यूज़ रिकर्सिव फंक्शन को प्रेफर करेंगे, कि रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करें जिससे हमें भी अंडरस्टैंड हो कि किस तरह वर्किंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसी जो अभी एल्गोरिथम देख के लूप वाला उसका प्रोग्राम लिखा है, इसको देख लेते हैं। अब प्रोग्राम में क्या है कि क्लास बनाई है फैक्टोरियल, उसमें पब्लिक में हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर रखी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने फैक्टोरियल जो भी आएगा वो रिटर्न करना है। ठीक है, और एक पैरामीटर लिया जो कि हम बताएंगे कि इस नंबर का फैक्टोरियल हमें चाहिए। तो इंट एफ इजिकल टू वन, इफ़ एन डबल इक्वल टू ज़ीरो देन रिटर्न एफ। ठीक है, कि अगर तो n ज़ीरो के इक्वल है तो डायरेक्टली f को रिटर्न कर दे जो कि हमारा वन है, लेकिन अगर हमारा n ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर लूप चलेगी। ठीक है, लूप में बेसिकली यहाँ पे एक पैरामीटर मिस है, वो आप खुद से डाल लें, n इज इक्वल टू ऑब्वियसली जो ज़ीरो या वन कंसिडर किया जाएगा। n इज इक्वल बल्कि इसमें क्या होगा कि c एक पैरामीटर ले लेंगे, वो उसको हम उसके इक्वल रख देंगे n के, क्योंकि कंडीशन हमारी उल्टी चल रही है। तो n ग्रेटर देन और ग्रेटर देन वन जब तक नहीं हो जाता, तब जब तक ग्रेटर देन वन है तब तक हमारी ये लूप चलती रहेगी, और हर दफ़ा n में माइनस वन होता रहेगा। ठीक है, तो f इजिकल टू f इंटू n, f में क्या स्टोर होता रहेगा, हर बार f मल्टीप्लाई बाय होता रहेगा n के साथ, और लास्ट पे रिटर्न कर देगा f को वैल्यू को। मेन फंक्शन में आते हैं, मेन में पहले तो सबसे ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्लास का, उसके बाद दो वेरिएबल लिए हैं, एक इंट वाल और दूसरा आर ई एस के नाम से कोई वेरिएबल लिया है। इसमें देख लेते हैं, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है, कि हमने जिसके जिस नंबर की का फैक्टोरियल लिखना है उसके वैल्यू एंटर करेंगे सबसे पहले, और वो कहाँ जाएगी, वो उस फंक्शन में जाएगी थ्रू पैरामीटर। ठीक है, और लास्ट पे हमारे पास वो फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लास उसके बाद अब यहाँ पे दूसरे फंक्शन में रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू ही n नंबर ऑफ n वैल्यूज़ का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल में हमेशा सेम ही होगा कि n इजिकल टू ज़ीरो है तो उसका फैक्टोरियल वन के इक्वल होगा, और स्टेप टू में क्या है कि कॉल फैक्टोरियल f इंटू n माइनस वन। f एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है n माइनस वन, तो ये हर दफ़ा n माइनस वन होता रहेगा जितनी कंडीशन चलेगी, तब तक जब तक के हमारा n जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, और उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन क्लास हमारा यहाँ पे था, यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी जितनी भी आप लोगों ने प्री प्री, प्री, प्री
क्लास आप लोगों ने सुना होगा प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स, ठीक है। तो वो ये जितने भी वैल्यूएशन होती है वो हमारी थ्रू स्टैक के इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।